कि 13 सीटों पर 3 सीटों पर केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, शिरोमणि अकाली दल 10 सीटों पर, उसमें से भी अगर एक हम मान लें जो कुल 3 सीटें दिख रही हैं पंजाब में, नहीं 2 ही सीटें एनडीए की, उसमें से एक अगर गुरदासपुर सीट है जिसमें सनी देओल आगे चल रहे हैं, तो शिरोमणि अकाली दल को भी सोचना होगा कि विधानसभा से बेदखल होने के बाद क्या उन्होंने लोगों का वहां पर भरोसा जीता है या फिर नहीं जीता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में वहां पर 9 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों के अनुसार। और अच्छा प्रदर्शन करती हुई फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देशभर में, ये देखिए एनडीए 335, 336 2014 में थी, एक बार फिर से गौर से जरा इन आंकड़ों को देखिए रुझानों में। और सबसे दिलचस्प ये नाचते गाते झूमते भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे आज तक की स्क्रीन पर बाई तरफ आप देख रहे हैं सुष्मिता देव सिलचर से कांग्रेस पार्टी की पीछे चल रही है चुनाव में कौन कौन से दिग्गज, और यहाँ पर पूर्वी चंपारण से राधामोहन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बिहार में आगे चल रहे हैं, वो तमाम चेहरे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 26 पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब 2 पर आगे हो गई है, 2 पर आगे और एक अन्य आगे हो गई है, एक अन्य के पास भी जाते हुए इस समय दिख रही है। लेकिन ये रुझानों में जल्दी जल्दी नतीजों में कैसे तब्दील होंगे, बहुत कम सीटों का अगर फासला, कम वोटों का फासला रहता है तो ये तेजी से बदलते हैं। लेकिन कई ऐसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई हुई है जो अभी बहुत बड़े दायरे तक बहुत आगे तक जा चुके हैं। अमित शाह की सीट हमने आपको दिखाई गांधीनगर, जहां से 1,25,000 के मार्जिन से वो लीड कर रहे हैं इस समय अपनी सीट से। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं बिहार से, और ये भी बड़ी खबर है क्योंकि उस इलाके में इनका काफी ज्यादा प्रभाव जेपीएल से मधेपुरा से वो पीछे चल रहे हैं। रंजीता रंजन उनकी जो पत्नी है वो भी चुनावी उम्मीदवार है, शरद यादव पीछे चल रहे हैं आरजेडी के। लेकिन 36 जो कुल सीटें वहां के दिखा रहे हैं, अब 4 पर यूपी आगे चलते हुए नजर आ रही है, देखना होगा कि क्या उसमें कांग्रेस पार्टी की कोई लीड है कि नहीं किसी सीट पर, क्योंकि अभी तक सूपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा था, अभी तक 0 पर दिख रहे थे। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के बिहार में आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर वैशाली से। ये जो बिहार का जो आंकड़ा है वो वाकई बहुत ज्यादा चौंकाने वाला सामने आ रहा है। हालांकि आज तक के एग्जिट पोल में हमने आपको दिखाया था कि 38 से 40 की 40 सीटें भी बिहार में एनडीए ले सकता है, लेकिन उसके इतना करीब पहुंच जाएगा ये आंकड़ा वाकई बहुत कम लोगों को। देखिए 2014 में श्वेता वहां पर कुल 40 में से 31 सीटों पर, उस वक्त जेडीयू हिस्सा नहीं थी, बीजेपी की 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, और उस वक्त आरएलएसपी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है 3 सीटों पर उससे जीत हासिल की थी। उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, 3 माइनस कर दीजिए, जेडीयू के 2 जोड़ दीजिए, तो इस लिहाज से भी देखा जाए 30 सीटों पर 2014 आज के लिहाज से वो होती है। लेकिन इस समय तो शानदार प्रदर्शन बिहार में 36 सीटों पर एनडीए की बहुत बहुत बड़ी बढ़त और अपने आप में कामयाबी की एक नई कहानी बिहार में कम से कम जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी लिखने जा रही है। एक सेकंड, संजय जी के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा है जिसमें वो बता रहे हैं कि मार्जिन कई महाराष्ट्र में, हरियाणा में, ऐसी जगहों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो इतने मार्जिन से यूपी में भी आगे हैं कि फासला मुश्किल है। आमतौर पर जैसे अगर हरियाणा को देखें आप, तो हरियाणा में सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा अपनी सीट पर आगे हैं कांग्रेस के, लेकिन जीत जाएंगे, सिर्फ 4,000 वोटों का है, 4,000 से भी कम है। और जहां पे भी बीजेपी लीड कर रही है वो सब बड़ी मार्जिन से कम 50,000 60,000 लाख 1.5 लाख का मार्जिन है। वैसे ही अगर समझ में आता है कि रुझान लगभग ऐसे रुझानी नतीजे लग रहे हैं, यूपी का बताइए, यूपी का दीपेंद्र हुड्डा के पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां तस्वीरों में इस समय दिख रही है, ये गुजरात से सीधी आती हुई तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां उनका परिवार इस समय स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के वो पिछड़ रहे हैं, और ये तस्वीर इस वक्त आप जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी इस समय